गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स एलजेब्रा चैप्टर नंबर इलेवन ओके स्टडी ऑफ ब्रांच स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक, इट इज कॉल्ड एलजेब्रा। मतलब दो ब्रांचेज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अथमेटिक एंड ज्योमेट्री नाउ हम पढ़ेंगे एलजेब्रा ठीक है सो द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू ब्रांचेज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द यूज़ ऑफ़ लेटर यूज़ ऑफ़ लेटर विल अलाउ टू यूज़ द राइट रूल्स एंड फार्मूला इन अ जनरल वे इसमें क्या होता है एलजेब्रा में हम आप डिफरेंट 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 लेटर्स यूज़ करते हैं उससे कुछ रूल्स बनाते हैं हम ठीक है रूल्स कह सकते हो आप या फिर फार्मूला कह सकते हो ठीक है बाई यूजिंग लेटर वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर सेकेंडली द लेटर मे स्टैंड अननोन क्वान्टिट्टी जो लेटर होगा वो अन नोन क्वान्टिट्टी का होगा मतलब उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी राइट तो ये चीज़ हम एल्जबरा में पढ़ेंगे सो so, हमारा है इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आता है मैस्टिक पैटर्न जो मैस्टिक पैटर्न मैस्टिक पैटर्न आपको पता है ना मैच मैचिस्टिक आप सब लोग जानते हो मैचिस ठीक है तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैथ स्टिक से हम क्या पढ़ रहे हैं ठीक है लेट्स टेक एन एग्जांपल हमने लिया टू स्टिक एक ये वन स्टिक ये टू स्टिक ठीक है मैथ स्टिक का दो स्टिक लिया तो ये क्या हमारा बन रहा है एल बना ठीक है कितने स्टिक से टू स्टिक से हम दूसरा एल बना रहे हैं ठीक है अब दूसरा एल ये ज्वाइन करना है इसमें दूसरा एल बनाने के लिए हमें कितने स्टिक चाहिए सॉरी फोर स्टिक चाहिए ठीक है जब हम तीसरा बना रहे हैं तो हमें सिक्स स्टिक स्टिक चाहिए चौथा बना रहे हैं तो हमें कितने चाहिए एट स्टिक चाहिए राइट सो so, इसी तरीके से आप देखिए जब आपको ट्वेल्व एल बनाना है तो कि, कितने स्टिक चाहिए तो आप क्या करोगे उसको इसका फॉर्मूला फॉर्मूला यू कैन से नंबर ऑफ़ स्टिक आप पहले नंबर ऑफ मैच स्टिक लिखोगे यहाँ पे टू ठीक है और ये आपका आएगा एन आपसे मतलब अगर पूछा जा रहा है कितने स्टिक चाहिए तो आप उसको टू इन मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर से ठीक है जैसे आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ एल्फ एल्स फॉर्म कितना एल बनाने के लिए हमें हाँ एक एल बनाने के लिए कितने मैच स्टिक चाहिए एक एल बनाने के लिए हमें टू मैच स्टिक चाहिए थे हमें टू एल बनाने के लिए फ़ोर चाहिए थ्री सिक्स चाहिए ऐसे ही देखते जाइए आप ऐसे बनना मान लीजिए अब हमारे से पूछ लीजिए हमें चाहिए नाइन एल बनाने के लिए कितने स्टिक चाहिए तो आप यहाँ पे देखो सब में टू का मल्टीप्लिकेशन है ठीक है टू का मल्टीप्लिकेशन है तो नाइन इंटू टू कर दोगे आप तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एटीन मैच स्टिक चाहिए हमें नाइन एल बनाने के लिए राइट नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर टू इंटू नंबर ऑफ़ एल्स दो मैस्टिक चाहिए कितने एल बनाने के लिए ठीक है एक एल बनाने के लिए हमें कितने मैस्टिक चाहिए टू है तो हम हमसे ही जब जैसे आप अभी पूछा मैंने टेन एल बनाने के लिए कितने मैस्टिक चाहिए तो टेन इंटू टू कर दो गया क्योंकि एक एल की वैल्यू कितनी है टू मैच स्टिक और आपसे टेन एल पूछा गया कितने बनेगा तो टू इंटू एन करोगे तो टू इंटू टेन करोगे तो आप ट्वेंटी मैच स्टिक चाहिए राइट तो ये है आपका फॉर्मूला नाउ मोर मैच स्टिक पैटर्न अब और भी मैच स्टिक पैटर्न कौन से हो सकते हैं लेट्स से सी बनाया हमने सी बनाने के लिए हमें कितने मैस्टिक चाहिए वन टू एंड थ्री थ्री ठीक है हमें टू सी uh, बनाने के लिए कितने चाहिए सिक्स थ्री के लिए नाइन चाहिए ऐसी बढ़ाते जाओ ठीक है तो देखो नंबर ऑफ सी फॉर्म वन सी बनाने के लिए हमें कितने थ्री मैस्टिक टू के लिए सिक्स सेम यही प्रोसेस है मीन आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ एल्स लिखो आप टू का मल्टीपल है सॉरी यहाँ पे थ्री का मल्टीपल होगा बिकॉज़ क्योंकि हमने थ्री मैस्टिक बनाने के लिए सी uh, बनाने के लिए थ्री मैस्टिक का यूज़ किया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे थ्री इंटू एन अब यहाँ पे देखो आपको नाइन मान लो नाइन पूछा है नाइन सी बनाने के लिए कितने मैस्टिक चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री इंटू नाइन कितने आएंगे नाइन थ्री जहाँ ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन मैस्टिक रिक्वायर्ड है हमें ठीक है तो ये ऐसे ही करके हम ये पैटर्न्स जो मेस्टिक पैटर्न होता है ऐसे हम यूज़ करते हैं अगर फ़ोर होगा तो फ़ोर इंटू एन कर देंगे किसी भी चीज़ को बनाए मान लो हम लोग स्क्वायर बनाए तो फोर मैस्टिक की ज़रूरत है तो हमें कितना भी आगे पूछा जाए तो फ़ोर इंटू एन कर लेंगे जितने मैस्टिक यूज़ करो उतने नंबर्स ऑफ आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे ठीक है अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूजर्स ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स अब रूल फ्रॉम ज्योमेट्री अब ज्योमेट्री में कैसे इसके रूल फॉर्म होते हैं एस 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 ये फोर साइड्स हैं ठीक है दे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एल लिखो या एस लिखो जो लिखो ठीक है तो हमने यहाँ पे एल यहाँ लिखा हुआ है फोर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर तो फोर इंटू एल मतलब यहाँ पे चार सपो इसको ऐसे ही कैलकुलेट का, करो कि आपने एक स्क्वायर बनाने के लिए फोर मैथ स्टिक की ज़रूरत हुई यहाँ पे तो फोर इन और चारों साइड करोगे तो एल ठीक है तो क्या है आपको फोर इन एल इसमें एक और चीज़ होती है ज, जैसे अभी हमने टू एन लिखा थ्री एन लिखा फोर एन लिखा जो ये आपकी एन वैल्यू है दैट इज़ वेरिएबल वेरिएबल हमेशा चेंज होती रहती है ठीक है जैसे आप देखो वेरिएबल एन है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल एल ले लिया जो ये एल है गिवन, ये एल आपका वेरिएबल है ये चेंज है एस लिया दैट इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल मतलब वेरिएबल चेंज होते रहेगा सेम हमेशा हर जगह एन नहीं होगा राइट ये कहने का मतलब है तो ये आपको समझ में आ गया होगा पैरिमीटर ऑफ द स्क्वायर में क्या करना है हमें सम ऑफ द लेंथ सबकी लेंथ निकालें इंटू फोर कर दिए फ़ोर साइड्स हैं तो नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या देखें हमारे पास यहाँ पे फोर साइड्स हैं ठीक और जो कि हम पेरीमीटर जो इसका पेरीमीटर होता है लेंथ इन टू ब्रेथ होता है राइट तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी एंड लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इसका तो टू एल लेंथ ऑफ सी डी प्लस टू द रूल देअो इट इज अ पैरिमीटर ऑफ द रेक्टैंगल लेंथ इन टू ब्रेथ चाहे आप इसको टू को ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो और या फिर टू एल प्लस टू बी भी लिख सकते हो ठीक ये आपका रूल फ्रॉम ज्योमेट्री था ठीक है ना कम टू द रूल फ्रॉम अरेथमैटिक अरेथमैटिक में भी आपने क्या पढ़ा था उसमें भी दो टॉपिक थे आपके पास कॉम कॉम्बिटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है तो कॉम्बिटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स हम सिंपली क्या करते हैं उसमें फोर प्लस थ्री और थ्री प्लस फोर कॉम्पिटेटिव में चाहे दो नंबर्स गेमें तो आगे पीछे करके कहीं पे भी करके उसको प्लस कर सकते हैं क्योंकि इसका भी वैल्यू सेवन आएगा इसका भी वैल्यू सेवन आएगा राइट तो इसको कॉम्पिटेटिव में इसको कैसे लिखते हैं मतलब वेरिएबल में लिखना है ए प्लस बी और बी प्लस ए ये लिखा है आपका ये देखिए ऐसे करके ठीक है और कॉम्पिटेटिव अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा जैसे आप थ्री इंटू फोर कर रहे हो फोर इंटू थ्री ये है आपका और जब इसको वेरिएबल्स में लिखोगे तो ए इंटू बी और बी इंटू ए ऐसे लिखेंगे ठीक है कॉम्पिटेटिव में एक एडिशन का हो गया एक मल्टीप्लिकेशन का हो गया नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स अब आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर आपको लिखना है टू इंटू वन ज़ीरो एट ठीक है तो टू ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो टू इंटू हंड्रेड प्लस एट ठीक है इसको क्या कहते हैं टू इंटू हंड्रेड प्लस टू इंटू एट ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नंबर ये वेरी ए इंटू बी प्लस सी और फिर इसको जब सेपरेट uh, करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा राइट right? तो आई होप क्लियर हो गया होगा तो अब ये इस अभी इसका हाफ पोर्शन है सो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर ओके स्टूडेंट तो आई होप क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी थैंक यू स्टूडेंट्स